जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं, जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों की ठटली बारते हैं, तुम भी उन्हीं बागेश्वर बालाजी के सामने खड़े होकर के कह देना, बस बहुत हो गया, अब नहीं हमें भटकना, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे हो गए हैं। परिणाम, आपका पर्चा भले ही ना बने, हमसे भले ही ना मिल पाओ, हम तो मूर्ख और नालायक हैं, मेरे पागलों, तुम्हारी जिंदगी में जब जब संकट आएगा, संकट मोचन बनकर के बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। हनुमान जी महाराज संकट मोचन है, कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं, बेग हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम त्योहारो। ऐसा कौन सा संकट है जो हनुमान जी दूर ना कर पाए। तुम अधैर्य मत हो, तुम भगड़ा घबराओ मत, भागो मत, जागो, तुम गुरुओं के चक्कर में मत पड़ो, हमारे चक्कर में मत पड़ो, टोटकों के चक्कर में मत पड़ो, पढ़ना ही है तो बागेश्वर हनुमान जी के चक्कर में पड़ो, या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, हनुमान चालीसा पढ़ना छोड़ दो, या आज के बाद दरबार में ही अपने आप को बागेश्वर हनुमान जी पर छोड़ दो। परिणाम, कभी भी लौट कर तुम्हारे ऊपर संकट आने वाला, बोलो बागेश्वर धाम की, जो वहां नसेनी पे चढ़े उतर जाओ, ए नीचे उतर, आगे के लगे नक कटा नसेनी पे अटंगो, अभी नीचे आ जाए, ब्रेकिंग न्यूज बन जाए, आ जाओ नीचे, नीचे आ जा, लपड़ा हो जाए बेटा, नीचे आ जा, ए आ जा, ये दिल्ली के बंदर भी कम थोड़ी है। जय सियाराम, जोर से बोलो, बागेश्वर हनुमान जी की, कृष्ण कन्हैया लाल की, दिव्य दरबार की। देखो एक बात बोलें, हमारी महिमा नहीं है, महिमा श्री बागेश्वर हनुमान जी की है। आप दरबार के क्षेत्र में बैठ गए और आपने अगर मन में राम नाम का जप किया तो जिन बागेश्वर हनुमान जी के बल पर हम आपकी अर्जी लगाते हैं सन्यासी बाबा की कृपा पर, आपका पर्चा बने या ना बने, अगर आपने ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप का नियम, घर पर लाल रंग के कपड़ा में नारियल, पूजा मंदिर में अगर बांध कर रख लिया और पेशी करना प्रारंभ कर दी तो बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार हो जाएगी। और केवल अर्जी नहीं, बागेश्वर बालाजी की कृपा भी हो जाएगी। और सन्यासी बाबा की सेना भी तुम्हारे घर पर पहुंच जाएगी, जाओ आशीर्वाद है। बोलो जय सियाराम, जय सियाराम। तो मन में सब लोग राम नाम का जप करो, प्रभु से प्रार्थना करो, आपकी अर्जी स्वीकार होवे। जिन जिन की भी अर्जी, सन्यासी बाबा हमें प्रेरणा देंगे, हम आपको बुलाएंगे, लेकिन जितने लोग बैठे हैं सामूहिक अर्जी सबकी लगेगी और आज प्रेतराज सरकार का दिव्य दरबार भी लगाया जाएगा। सुबह जब हम पूजा में बैठे हुए थे तब गुरुजी ने हमको आज्ञा दे दी थी, लेकिन मन में तो था कि एक डेढ़ घंटे ही दरबार लग जाए, वो एक डेढ़ घंटे कथा हो जाए सो ठीक है, लेकिन आप लोगों का पागलपन देख करके ज्यादा देर तक हम सन्यासी बाबा से प्रार्थना करेंगे। कृपा करने वाले सन्यासी बाबा हैं और दया करने वाले भी वही हैं। एक बात सुनो, कोई दीपक जल रहा हो लेकिन मटका ऊपर से रख दिया जाए तो दीपक का प्रकाश बाहर नहीं आता है, लेकिन दीपक जल रहा हो और कांच रख दिया जाए तो दीपक बुझेगा भी नहीं हवा में और प्रकाश भी बाहर आ जाएगा। वैसे ही हम लोग हैं, हम लोग दीपक अंदर परमात्मा की भक्ति का जल तो रहा
लेकिन मिट्टी का मटका ऊपर रखा हुआ है, इसलिए प्रकाश बाहर नहीं आ रहा। सन्यासी बाबा के तपोबल ने वह कांच का पर्दा लगा लिया है, तो वो दीपक बुझ भी नहीं रहा है, लेकिन उस चेतना का प्रकाश बाहर आ रहा, परिणामतः पूरे विश्व का कल्याण हो रहा है। बोलो सीताराम। ऐसे सन्यासी बाबा जिन्होंने 125,000,000 हनुमान चालीसा का पाठ करके हनुमान जी को प्रकट किया था, जिनके पास में 46,000 सेना है, वह सेना हनुमान जी महाराज के दूत हैं, उनके प्रभाव से क्या देश और क्या विदेश जो जो भी नियम का पालन करता है बागेश्वर हनुमान जी की कृपा से उसका काम सफल हो जाता है। इसमें हमारा चमत्कार नहीं है, ना हमारी महिमा है। किसकी महिमा है? बागेश्वर धाम की। किसकी महिमा है बोलो? बागेश्वर धाम की। इसलिए आपको जुड़ना ही है तो हमसे नहीं जुड़ना, किससे जुड़ना है बोलो बोलो बोलो? बागेश्वर बालाजी से। नियम क्या है? नियम है लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद, महीने में एक बार, दो महीने में एक बार, या पांच महीने में भी एक बार, शनिवार मंगलवार की पेशी शुरू कर दो। 21 पेशी का नियम है। ज्यों ज्यों पेशी बढ़ेगी त्यों त्यों रोग में, संकट में, व्याधि में, पीड़ा में आराम लगने लगेगा और बालाजी की कृपा भी हो जाएगी। जब श्री सन्यासी बाबा ने अपने तपोबल पर बागेश्वर हनुमान जी को प्रकट किया था, तो हनुमान जी बागेश्वर बालाजी ने कहा था मांगो, तब सन्यासी बाबा ने यही कहा था कि बस जन कल्याण का आशीर्वाद दो। तो श्री बागेश्वर बालाजी ने कहा जाओ, आज के बाद जो भी बागेश्वर धाम आएगा उसकी खाली झोली भर जाएगी और रोता हुआ आएगा और दरबार से हंसता हुआ जाएगा।